नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अगले दो वीडियो में कक्षा 10 विषय हिंदी कालिदास का प्राणी प्रेम हम पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगले वीडियो में हम कालिदास का प्राणी प्रेम, लेखक का नाम है मोहन राकेश। राकेश जी ने कालिदास के प्राणी प्रेम के बारे में बताया था कि राजपुरुष दंतुल के बाण से आहत हरिण शावक को अपनी बाहों में लेकर कालिदास मल्लिका के घर आता है। तभी हरिण शावक के शरीर से टपकते हुए खून की बूंदों के सहारे राजपुरुष दंतुल वहां पहुंचता है और कालिदास से हरिण शावक की मांग करता है। दंतुल कालिदास से कहता है कि वे उसके बाण से आहत हरिण शावक उठा लाए हैं, वह उसकी संपत्ति है, इसलिए वे उसकी संपत्ति लौटा दें। इसके जवाब में कालिदास कहते हैं कि जिस क्षेत्र में अपने हरिण शावक पर बाण चलाया है उस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता, वह बाहर से आया है, इसलिए उसे इस जुर्म के लिए अपराधी नहीं माना जा रहा है, यही क्या कम है? दंतुल के जवाब में कालिदास क्या कहते हैं कि जिस क्षेत्र में उसने हरिण शावक पर बाण चलाया है उस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता, हमारे इलाके में, हमारे प्रदेश में पशुओं का आखेट नहीं होता, शिकार नहीं किया जाता, वह बाहर से आया है, इसीलिए उसे इस जुर्म के लिए, जुर्म यानी कि गुना, अपराध के लिए अपराधी नहीं माना जा रहा है, यही आपके लिए क्या कम है? दंतुल फिर कहता है कि अपराध का निर्णय क्या उन जैसे ग्रामीण करेंगे? वह राजपुरुषों के लंबे अधिकार की धौंस जमाता है। कौन? दंतुल। राजपुरुषों के लंबे अधिकार की धौंस जमाता है और हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए दे देने के लिए कहता है। तब कालिदास कहते हैं कि हरिण शावक पार्वत्य भूमि है, कि पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। इसके बाद कालिदास घायल हरिण शावक को लेकर अपने घर रवाना हो जाते हैं। यहां तक हम पढ़ चुके थे, अब आगे देखिए। मित्रों, सभी विद्यार्थी मित्र अपनी पुस्तक खोलकर बैठ जाइए और अक्षरशः पढ़ते जाइए, साथ में नोटबुक भी खोलें और जो भी शब्द लिखते जाते हैं हम वह लिखने का प्रयत्न कीजिए। तो देखो, दंतुल कहता है और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। देखो, दोष जमाना कर अपना प्रभुत्व, राजपुरुष का एक गौरव, अपना प्रभुत्व जमाने के लिए दंतुल कालिदास को कहता है कि राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। कालिदास, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। देखो, बिना घबराए हुए साहजिक भाव से, सहज भाव से कालिदास उत्तर दे देता है दंतुल को
कि राज पुरुष की रुचि, रुचि यानी कि पसंद, पसंद भी पसंद हो या ना हो यह उनके पर निर्भर करता है। कालिदास बिना उसकी ओर देखे ड्यूटी में चला जाता है। ड्यूटी यानी कि देहली द्वार। ड्यूटी का मतलब क्या होता है? देहली अथवा द्वार शब्द। दंतूर राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। देखो कालिदास तो हरिण सावक को लेकर वह चला जाता है, द्वार की ओर चल देता है। सुनी अनसुनी करके तब दंतुल कहता है कि राजपुरुष की रुचि अरुचि, पसंदगी नापसंदगी क्या होती है? रुचि और अरुचि द्वंद्व समास। संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता। कालिदास संभवतः दंतुल कहता, संभवतः तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। कौन तलवार की मूठ हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है? दंतुल। किसके पीछे? कालिदास के पीछे। मल्लिका शीघ्रता, शीघ्र यानी कि तुरंत द्वार के सामने खड़ी हो जाती है, रोकने का प्रयत्न करती है। किसको? दंतुल को। क्या कहती है? आगे देखिए, ठहरो राजपुरुष, मल्लिका कहती है, हरिण सावक के लिए हठ मत करो। यहां एक शब्द आता है हठ, हठ यानी कि जीत। हरिण सावक के लिए हठ मत करो, हठ यानी कि जीत। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। यह मित्रों खास तौर पर ध्यान रखिए कि प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है कि मल्लिका ने दंतुल को हरिण सावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों कहा, ऐसा प्रश्न भी बनता है। तो प्रश्न का उत्तर भी देखिए आप। दंतुल कालिदास से घायल हरिण सावक लेने पर अड़ा हुआ था। मल्लिका ने दंतुल से कहा कि तुम्हारे लिए घायल हरिण सावक को पाना अधिकार का प्रश्न है, जबकि कालिदास के लिए उसे न देना संवेदना का प्रश्न है। अधिकार के प्रश्न से संवेदना का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए मल्लिका ने दंतुल को हरिण सावक के लिए हठ न करने के लिए कहा। यह प्रश्न का उत्तर, तो ये प्रश्न का उत्तर भी आप तैयार कीजिए। और साथ में यह एक पंक्ति देखिए, वाक्य देखिए, कथन, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए, उनके लिए संवेदना का,
संवेदना का। पीछे ध्यान रखिए मित्रों, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। प्रस्तुत कथन का आशय स्पष्ट कीजिए, ऐसा परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। तो आशय हम स्पष्ट करेंगे। देखिए कि तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। आशय इस प्रकार स्पष्ट होता है कि शिकारी व्यक्ति और किसी की जान बचाने वाले, दोनों में बहुत फर्क होता है। शिकारी को शिकार करके किसी के प्राण लेने में कोई झिझक नहीं होती, बल्कि वह इसे अपनी बहादुरी और मनोरंजन के रूप में देखता है। वह शिकार करना अपना शौक मानता है और शिकार पर अपना अधिकार मानता है। पर संवेदनशील व्यक्ति का हृदय किसी घायल प्राणी को देखकर द्रवित हो उठता है। वह उसका प्राण बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देता है। अधिकार जताने वाला व्यक्ति प्राण लेने पर खुश होता है, जबकि संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होता है। यदि कोई किसी को प्राण दे नहीं सकता, तो उसे किसी का प्राण लेने का भी अधिकार नहीं। आशय स्पष्ट हो गया, तो परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। प्रस्तुत कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये ध्यान रखिए और तैयार भी कर दीजिए। आगे देखिए, कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास निशस्त्र, कालिदास के पास कोई शस्त्र नहीं है। जिसके पास शस्त्र ना हो, शब्द समूह के लिए एक शब्द, ध्यान रखिए, जिसके पास शस्त्र न हो, तो अर्थ शब्द समूह बनता है नहीं शस्त्र, शस्त्र। जिसके पास कोई शस्त्र न हो, शस्त्र यानी कि हथियार न हो, उन्हें क्या कहा जाता है? निशस्त्र। और जिसके पास शस्त्र हो, शब्द समूह यह भी पूछा जा सकता है कि जिसके पास शस्त्र हो, शस्त्र यानी कि हथियार, शस्त्र हो, शस्त्र, शस्त्र, उन्हें क्या कहा जाता है? शस्त्र। ध्यान रखिए, जिन जिसके पास हथियार न हो यानी कि शस्त्र न हो, उन्हें निशस्त्र कहा जाता है। शब्द समूह के लिए एक शब्द बनता है। जिसके पास शस्त्र हो, शस्त्र। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करता। कौन किसको कहते हैं? मल्लिका दंतुल को कहते हैं कि कालिदास तो निशस्त्र है, उनके पास कोई हथियार नहीं है, फिर भी तुम्हारे शस्त्र की वह चिंता करता नहीं है और करेंगे भी नहीं। दंतुल, कालिदास
तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं? आश्चर्य होता है। दंतुल कालिदास का नाम सुनकर प्रश्न करता है, कालिदास तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था, शब्द बनता है तर्क, तर्क करना यानी कि वाद विवाद करना, तर्क का अर्थ होता है वाद विवाद। तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास, वे स्वयं कवि कालिदास है, उन्हें पता नहीं था कि कौन है। तो कालिदास का नाम सुनकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है। मल्लिका, हाँ हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? मल्लिका प्रश्न करती है कि तुम कालिदास ऐसे ग्रामीण लोग को, ग्रामवासी को, आप तो राजपुरुष हैं, तो कालिदास को कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? दंतुल उत्तर देता है, कैसे जानता हूं, उज्जैनी के राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। देखो, एक ग्रामीण कालिदास के बारे में उज्जैन की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कौन थे? कवि कालिदास। तो ये कवि कालिदास को जानता है। राज्यसभा में प्रत्येक व्यक्ति ऐसे महान संस्कृत कवि कालिदास को जानते हैं। मल्लिका, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को जानता है? दंतुल उत्तर देता है, सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसीलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहां आए हैं। फिर से ध्यान रखिए, दंतुल बताता है किसके बारे में? कालिदास की प्रशंसा के बारे में, कि सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा। ऋतुसंहार के लेखक कौन है? फिर से प्रश्न करता हूं, कालिदास स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की, इसीलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि, राजकवि का मतलब राजसभा का कवि, राजसभा का कवि उन्हें क्या कहा जाता है? राजकवि। शब्द समूह के लिए एक शब्द पूछा जा सकता है, लिख लीजिए राजसभा का कवि। क्या कहा जाता है? राज कवि, राज कवि। दूसरा शब्द समूह इसी प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जिस राज्य से राज कवि का सम्मान मिला हो उन्हें भी राज कवि कहा जाता है। फिर से ध्यान रखिए, जिसे राज्य से राजकवि का सम्मान मिला हो वह भी राजकवि कहा जाता है। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहां आए हैं। मल्लिका सुनकर स्तंभित सी हो रहती है, वह भी एकदम अचंभे में पड़ जाती है।
रुक जाती हैं। मल्लिका कह उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राज कवि का आसन। तब दंतुल उत्तर देता है, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, अशिष्टता उज्जड़ता असभ्य व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। दंतुल को कालिदास के प्रति क्षोभ हुआ, खेद हुआ, मन में दुख पैदा हुआ कि मैंने जो कालिदास के साथ व्यवहार किया वह अच्छा व्यवहार नहीं किया, यानी कि अशिष्ट, शिष्ट नहीं, अशिष्टता का व्यवहार किया, उज्जड़ता का व्यवहार किया, इसलिए मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो मित्रों, महाकवि कालिदास ने कालिदास का प्राणी प्रेम नट्यांश में बाण से आहत इरन के बच्चे की सेवा, शुश्रूषा और उसके प्राण की रक्षा के रूप में कवि कालिदास की गहरी संवेदना और वन्य प्राणियों के प्रति उनका प्रगाढ़ प्रेम व्यक्त हुआ है। प्राणियों के प्रति उनका कालिदास का प्रेम बताया गया है, साथ साथ यही भी बताया है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है, मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है, प्राणी मानव के साथी हैं, इसलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए, यह भी संदेश दिया है। धन्यवाद।